नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के गंज बसौदा में छात्र ने गुल्लक फोड़कर राशि की दान। वहीं छोटे छोटे बच्चे महामारी से बचाव के लिए एक अद्भुत संदेश दे रहे हैं। कोरोना वायरस चारों ओर से बचाव की अपील सुन करके 9 वर्षीय छात्र कनिष्क श्रीवास्तव ने अपने गुल्लक फोड़कर विधायक लीना जैन के लिए 1011 रुपए की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान दी। वहीं आजकल छोटे छोटे बच्चे बच्चियों के वीडियो कोरोना के बचाव के लिए बड़े ही ज्यादा तौर पर वायरल हो रहे हैं, जो बड़े आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम जगह जगह पहुंचकर नागरिकों का परीक्षण करती देखी जा रही है और रामनवमी के अवसर पर रघुकुल युवा परिषद पहले ही राम जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा का आयोजन निरस्त कर चुका है। लेकिन आराध्य देव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर रघुकुल युवा परिषद द्वारा गरीब बस्तियों में निराश्रित निसहाय लोगों के लिए आवश्यक सामग्री का वितरण किया जा रहा है। परिषद के कार्यकर्ताओं ने 13 यूनिट खून ब्लड बैंक में दान दिया। वहीं मंदिरों में केवल पुजारियों द्वारा भगवान राम की आरती की गई। भक्तों के लिए मंदिरों के पाट पूर्णतः बंद रहे। नगर के कुछ वयोवृद्ध नागरिकों का कहना है कि ऐसी विकराल स्थिति अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने नहीं देखी। वहीं विशेषज्ञों की माने तो इस स्थिति से निपटने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तभी इस लाइलाज बीमारी से बचा जा सकता है। वहीं बूढ़ापुरम जेल महिला संगठन द्वारा गरीबों को इस संकट की घड़ी में भोजन वितरित करके कोरोना वायरस से बचाव का संदेश लोगों को दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा के गंज बसौदा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। जैसी ये महाबीमारी के चलते हमारा चल समारोह का कार्यक्रम नहीं कर पाए थे हम, इसी में हमने सब ने घर पर रामनवमी का कार्यक्रम किया एवं मंदिरों में मनाई। इसी उपलक्ष्य में रामनवमी के इस पावन उस पर हमने रक्तदान का ये कार्यक्रम किया ताकि यह काम आ सके। एक्चुअली क्या, मैं हूँ विदिशा ब्लड बैंक ऑफिसर। हमारे यहाँ क्या अभी ब्लड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ रखी है और इस समय क्या हम बड़े बड़े कोई कैंप भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी इस समय सिर्फ जो फ़ोन पे एक एक दो दो लोगों को बुला के ही ब्लड लेना संभव हो पा रहा है और हमारे यहाँ विदिशा ब्लड बैंक में पर दिन कम से कम 10 से 15 यूनिट ब्लड की खपत होती है। जो दूर दराज से लोग गांव से आ रहे हैं तो वो भी अपने साथ कोई डोनर नहीं आ पाता है उनके साथ भी देने के लिए, इसलिए हमें यहाँ से ब्लड के लिए हमारे यहाँ रोहित रघुवंशी से हमारी बात हुई तो उनसे उन्होंने बताया कि सर हमारे यहाँ ब्लड की हम व्यवस्था करवा सकते हैं और एक एक दो दो लोगों को ही बुला के हम डोनेट करवा देंगे। तो इस समय ये बहुत ही विकट परिस्थिति चल रही है, यहाँ खून की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो रही है तो उसके लिए हम डोनेट करवाने के लिए यहाँ विदिशा से वासुदा के लिए आए।